तो आर्ट्सन इंजीनियरिंग की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 30.66 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 34.21 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 41.96 करोड़ का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और एक चीज अगर आप लोग यहां पे ध्यान से नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 32.76 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 39.46 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 45.96 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो कि इस कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से ज़्यादा है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट लॉस मतलब लॉस आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.99 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.66 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3.96 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो अभी अगर यहाँ पे इस कंपनी की ग्रोथ देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने कम लॉस पोस्ट किया है कंपेयर टू सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर। मतलब यहाँ पे कंपनी ने एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो ईपीएस की जो वैल्यू है दिसंबर 2022 की वो निकल के आई है -0.54, सितंबर 2022 के निकल के आई है -1.81 की एंड दिसंबर 2021 की निकल के आई है -1.07 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है ये ग्रोथ भी कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने दो जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो दोनों के दोनों ही इनकम ग्रोथ के अंदर है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के इनकम ग्रोथ को छोड़ करके, मतलब ये दो जगह को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो यही है कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कंपनी की इनकम कम हो रही है। अगर कंपनी के पास इनकम ही नहीं रहेगी तो कंपनी प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करेगी? तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है किसी भी कंपनी के लिए। तो ओवरऑल रिजल्ट तो कंपनी ने ठीक ठाक ही किया है लेकिन ये जो इनकम है वो मतलब बहुत ही बेकार सीन हुआ है, बहुत ही बेकार सीन हो रहा है इस कंपनी में रिगार्डिंग दिस कंपनीज इनकम। तो गाइस बाकी ओवरऑल कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है इस इनकम को छोड़ करके। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।